हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ खीर, जिसके लिए हमें सामान चाहिए: 1 किलो दूध, 100 ग्राम चीनी, 5 इलायची और ये 100 ग्राम चावल और 15-20 काजू, 15-20 बादाम और 10-15 किशमिश। आप जितना भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ये पाउडर मैंने जो चीनी है इसका लेकर बनाया हुआ, 5 छोटी इलायची और आधा चम्मच, जितना भी आप पीस लें पाउडर बना लें उसको चीनी के साथ, बहुत अच्छा पाउडर बन जाएगा आपका, तैयार हो जाएगा। और अब हम शुरू करते हैं खीर बनाना। पहले हम दूध को बॉयल कर लेंगे। जब ये दूध बॉयल हो जाएगा तो हम इसका पाउडर बना लेंगे। बहुत ही महीन पाउडर नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए भीगे हुए चावल थे, इसे आधे घंटे ही भिगाया हुआ था और इसको महीन दरबरा पीस दिया इस तरह से, दरदरा, बहुत ज्यादा खड़ा ना रहे और ना ही बहुत ज्यादा पाउडर बना रहे, लेकिन बीज का रहे ये। और इसमें हमने ठंडा दूध मिला लिया है, अगर इसमें गर्म दूध बनाएंगे तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी। और इसे हल्के हाथों से डालना है धीरे धीरे और एक हाथ से चलाते रहना है ताकि गांठें ना बने इस तरह से, और धीमी आंच पर इसे चलाते रहेंगे जब तक ये ठीक ना हो जाए। और शक्कर अभी नहीं डालेंगे, अगर शक्कर अभी डाल देंगे तो चावल गलेंगे नहीं। ये ड्राई फ्रूट हम डाल देंगे इसी समय और इसे चलाते रहेंगे जब तक ये ठीक ना हो जाए। जब ये ठीक हो जाएगा तब हम शक्कर डालेंगे इसके अंदर। और ये देखिए अब इतना ठीक हो गया है, चलाते रहेंगे, चलाते चलाते ठीक हो गया है। और अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा हो तो आप पहले से ही 1 लीटर दूध का 1 पाव दूध धीमी आंच पर रखकर कम कर दें, तो वो 1 पाव दूध अपना छन जाएगा, उससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और टाइम भी कम लगेगा। जब मेरा ये ठीक हो गया है, तैयार हो गया, तो इसमें डालेंगे हम चीनी और ये इलायची पाउडर और इसे चलाते रहेंगे। तैयार हो गई है ये देखिए, इस तरह से हमारी फुर्ती तैयार हो गई है, पर इसे चलाते रहना है कि इसमें लम्स ना पड़े। ये देखिए हमारी खीर बनके तैयार हो गई है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।